हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ डिटॉक्स वाटर की रेसिपी। हम लेडीज़ जो है ना, उनको जितना का मॉर्निंग होता है ना, उतना ही हम लोग को इवनिंग में होता है। और ख़ास करके जो वर्किंग वूमेन है, उनको जितना मॉर्निंग में काम है उससे ज़्यादा इवनिंग में, क्योंकि उनको 50% प्रिपरेशन मॉर्निंग की भी इवनिंग में ही करके रखनी पड़ती है। तो जैसे कि मैं भी कॉलेज से आई हूँ और लंच करके जस्ट अभी आई हूँ, और लंच करके अब मैं जा रही हूँ अपनी डिटॉक्स वाटर बनाऊँ। डिटॉक्स वाटर इस समय इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं होता है, और मॉर्निंग में अगर मैं बना भी दूँ तो फिर मैं उसे पी नहीं पाऊँ ना, क्योंकि मैं कॉलेज लेके जा नहीं सकती घर पे। और समर का टाइम है तो दो घंटे रखने के बाद हम उसको 5 to 6 और मैं हमको उसको फिनिश करना होता है, नहीं तो गर्मी थोड़ा सा ख़राब होने का डर रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। मैं आपको ना दो तरीके की डिटॉक्स वाटर बताऊँगी, जिसमें फर्स्ट डिटॉक्स वाटर है आपका, जिसमें आपका आएगा खीरा और नींबू आएंगे, और ये मिंट पुदीने की पत्तियाँ। तो मैंने उनको ना पहले से ही कट करके रखा है, जिसमें कि आप खीरे को छिलके के साथ इतने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, और नींबू को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और इसकी पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं, लीव्स ले ली हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें डिटॉक्स वाटर के लिए हमें कांच की बॉटल चाहिए, मतलब मैं कांच की बॉटल ही प्रेफर करूँगी, इसमें ज़्यादा बेस्ट रहता है। वैसे तो हम किसी में भी रख सकते हैं बना के, बट अगर कांच नहीं है तो आप स्टील का यूज़ करो, ज़्यादा बेस्ट है ना, प्लास्टिक के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे कुकम्बर, खीरे, और ये हमारा एक बार का डिटॉक्स वाटर जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम इसको एक बार और यूज़ कर सकते हैं। और वाटर के साथ साथ हम इसके साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम जैसे पानी के साथ साथ खीरे को भी खा सकते हैं और लीव्स को भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको बाद में फेंक दें, खा भी सकते हैं जैसा आप ठीक समझें। तो ये सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, और ये मैंने लीव्स भी इसमें डाल दिए हैं। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो सुंदर लग रहा है ना, ये देखिए जितना ये देखने में सुंदर है ना, उतना ही हमारी हेल्थ और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे हमारी स्किन ग्लो करती है, शाइन करती है ना, और हेल्थ तो आप जानते हैं, ये हमारा फैट को भी कम करने में बहुत यूज़फुल है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे, 2 घंटे के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो सेकेंड अब हम बनाते हैं का और नींबू, और ये आपकी मिंट लीव्स, ठीक है। तो सेकेंड के लिए मैंने एप्पल कट करके रखा था पहले से, थोड़ा सा मिंट है और थोड़ा सा लेमन है, लेमन की पीसेस कट करके देते हैं, ठीक है। एप्पल भी आपको छिलके के साथ लेना है, क्योंकि हमें इसमें सारे फ्रूट्स डिटॉक्स वाटर में, तो सारे फ्रूट्स छिलके के साथ ही ले लेते हैं। छिलके की वजह से थोड़ा सा पानी में कड़वाहट आ सकती है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि ये कड़वाहट जो है ना, यही हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए हम एक दूसरी बॉटल लेंगे, इस बॉटल में हम एप्पल डालेंगे सबसे पहले। हर डिटॉक्स वाटर में आपको एक खट्टा फल जरूर लेना है, ठीक है। मेरे मतलब यहाँ पे मैंने लेमन लिया है एप्पल के साथ, आप यहाँ पे लेमन की जगह मौसमी भी ले सकते हैं, अभी संतरा भी आ रहा है इस टाइम, वो भी ले सकते हैं। मेरे पास इस समय लेमन ही घर पे था, तो इसलिए मैंने बस उसी को लिया है। मिंट पुदीना समय खूब आ रहा है, भूल लीजिए, क्योंकि ठंडों में हम जो डिटॉक्स वाटर बनाते हैं तो हमें मिंट नहीं मिलता है ना। बस हो गया, अब इसमें हम डालते हैं पानी। तो
और ये है हमारा एप्पल वाला और ये है कोकम्बर का। तो ये हमारे दो डिटॉक्स वाटर बन के तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा गर्म पानी नहीं पी मिलता, तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद 3 से 4 घंटे में आप उसको फिनिश कर लीजिए। उसके बाद आप एक बार इसमें और पानी डाल के फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसके फ्रूट्स या जो खीरा या जो भी चीज़ें हैं, आप इनके इंग्रेडिएंट्स को भी खा सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किसने इस रेसिपी को ट्राई किया और कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी। और चलिए तब तक के लिए थैंक यू।